दोस्तों कई सारे इंडियन रेसलर हुए हैं जो WWE में फाइट करने गए हैं और फाइट करके भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, इसी वजह से इंडियन फैंस उनको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों इंडियन रेसलर के अलावा भी इंडियन फैंस एक और रेसलर को पसंद करते हैं, बल्कि कोई और नहीं वो रोमन रेंस है। दोस्तों रोमन रेंस को इंडियन फैंस काफी ज्यादा पसंद करते हैं, इसी वजह से चाहते हैं कि रोमन रेंस इंडियन रेसलर के साथ फाइट करे। तो दोस्तों इसीलिए आज इस वीडियो में तीन ऐसे इंडियन रेसलर के बारे में बात करेंगे जिनके साथ रोमन रेंस फाइट कर चुके हैं और उनको बुरी तरह से हराया भी है। तो मैं हूं प्रिंस वर्धन और आप देख रहे हैं रेसल प्रिंस। विनर के टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस चीज के नंबर वन पाते हैं द ग्रेट खली। वैसे तो ग्रेट खली और रोमन रेंस के बीच कभी भी सिंगल मैच नहीं हुआ है और ना ही ज्यादातर ये दोनों आमने सामने आए हुए हैं रिंग में, लेकिन 25 मार्च 2013 के रॉक एपिसोड में रोमन रेंस की टीम द शील्ड और ग्रेट खली की टीम गैब्रियल और जैक राइडर के बीच टैग टीम मैच हुआ था। लेकिन इस मैच में ग्रेट खली को लड़ने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि रोमन रेंस की टीम गैब्रियल को पिन करके जीत लेती है इस मैच को। जब ग्रेट खली की टीम हार जाती है तो ग्रेट खली गुस्से में हो जाते हैं और गुस्से में रिंग में आकर शील्ड के बंदों को एक एक करके पीटने लगते हैं। ग्रेट खली तीनों बंदे पर अकेले भारी दिखाई देते हैं, लेकिन तीनों शील्ड के बंदे मिलकर ग्रेट खली को पीटने लगते हैं और लास्ट में रोमन रेंस शील्ड पावर बम देकर ग्रेट खली को नीचे गिरा देते हैं। और इस लिस्ट में नंबर टू पाते हैं जिंदर महल। जिंदर महल का 2017 का WWE करियर काफी शानदार रहा था और 2017 के बैकलेस में रैंडी ऑर्टन को हराकर WWE चैंपियन भी बने थे, लेकिन चैंपियनशिप हारने के बाद WWE उनको एक जॉबर की तरह वापिस से बुक करना स्टार्ट कर देती है। और साल 2018 में रोमन रेंस और जिंदर महल के बीच फ्यूड शुरू हुई थी और स्टोरी लाइन में रोमन रेंस के डर से जिंदर महल इधर उधर हमें भागते हुए नजर दिखाई देते थे और उस फ्यूड में एक बार नहीं लेकिन कईयों बार जिंदर महल रोमन रेंस के हाथों हार चुके थे। और इस लिस्ट के नंबर थ्री पाते हैं बॉलीवुड बॉयज के सुनील सिंह। दरअसल 11 जून 2018 के रॉक एपिसोड में जिंदर महल और सुनील सिंह दोनों मौजूद होते हैं और उनके सामने रोमन रेंस भी मौजूद होते हैं। रोमन रेंस जिंदर महल के खिलाफ एक मैच मांगते हैं लेकिन जिंदर महल उनको नकार देते हैं और रोमन रेंस से बोलते हैं कि तुमको एक ग्रेट इंडियन सुपरस्टार के साथ फाइट करने का आज मौका मिलेगा। और सुनील सिंह भी काफ़ी स्माइल कर रहे थे कि वो किस सुपरस्टार के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में बताते हैं कि वो सुपरस्टार सुनील सिंह ही है और सुनील सिंह का हवाइया उड़ जाती है ये बात को सुनकर। रोमन रेंस के साथ जैसे सुनील सिंह का मैच स्टार्ट होता है, रोमन रेंस सबसे पहले उनको एक सुपर पंच और एक स्पीयर देकर पिन करके मैच को जीत लेते हैं। दोस्तों यही वो इंडियन रेसलर थे जिनके साथ रोमन रेंस फाइट कर चुके हैं और उनको हराया भी है। दोस्तों करंट टाइम में इंडियन ऑडियंस रोमन रेंस के साथ वीर महान का फाइट देखना चाहते हैं और साथ साथ इंडियन ऑडियंस ये भी देखना चाहते हैं कि क्या रोमन रेंस बाकी सारे इंडियन रेसलर की तरह वीर महान को भी हरा देंगे या फिर उनको नहीं हरा पाते हैं। तो दोस्तों इस पर आप लोग कमेंट में बता सकते हो क्या अगर वीर महान के साथ रोमन रेंस का फाइट हुआ, रोमन रेंस वीर महान को इजीली हरा देंगे या फिर वीर महान रोमन रेंस को हरा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ अगली वीडियो में।